ये दुनिया दोस्तों की है और ये दोस्त दुनिया ग्रुप है। दुनिया बचेगी तो दोस्त बचेंगे, इस सोच के साथ हमने तय किया है इस महामारी से लड़ने के लिए दोस्त दुनिया ग्रुप ने। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। अपने स्तर पर तय किया है जिस प्रकार के गरीब बेसहारा दैनिक रूप से जो अपनी मेहनत से कमा करके जो खाते हैं उन तक भोजन पहुंचे, वो भूखे पेट न सोए और इस महामारी का सामना करें, उस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके इस देश के साथ चले, इस दृष्टि से ध्यान में रखते हुए हमारे दोस्त दुनिया ग्रुप ने इस दुनिया को बचाने का की मुहिम का हिस्सा बनना तय किया है। और दोस्त दुनिया ग्रुप ने इस प्रकार के गरीब बेसहारा दैनिक रूप से कमाने वालों को जाकर के भोजन का वितरण शुरू किया है। जब तक ये महामारी चलेगी तब तक ये दोस्त दुनिया ग्रुप उनको जाकर के घर घर जाकर के भोजन का वितरण करेगा। माननीय महापौर महोदय और प्रशासन और सबने मिलकर के ये तय किया है कि सभी पार्षद अपने क्षेत्र में जहाँ कच्ची बस्तियाँ हैं, जहाँ पर दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, जहाँ पर गरीब रहते हैं, जिनको एक समय का भोजन भी दिन भर की मेहनत करने के बाद कमाने के बाद मिलता है, क्योंकि आज सब काम बंद है, लॉकडाउन है, इस कारण तक उन तक भोजन पहुँचे उसकी एक योजना सुचारू रूप से प्रशासन ने और नगर निगम के पार्षदों ने बनाई है और उन तक भोजन पहुँचे उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये हमारा दोस्त दुनिया ग्रुप है, मित्र मंडल का ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप के अंदर वर्तमान की महामारी को देखते हुए दोस्तों ने ये प्रयास किया है कि अजमेर शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, कोई भी खाली पेट ना सोए। इस प्रयास को लेते हुए हमने आज से कार्य अभियान शुरू किया है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या हमारे पास हमारे किसी नज़दीकी व्यक्ति का कॉल आ रहा है कि भाई ये परिवार भूखा है, तो उस परिवार के अंदर हम मित्र मिल के जा के घर घर जाके अल्पाहार और भोजन दोनों हम उनको प्रदान कर रहे हैं। और हमारा ये कार्यक्रम जब तक ये आपदा रहेगी प्रयास रहेगा कि ये कार्यक्रम सतत चले और हमारे अजमेर शहर में कोई भूखा नहीं रहे, हर आदमी को भोजन मिले, भरपेट भोजन मिले, ऐसा प्रयास हमारा है। हम इसके अंदर अल्पाहार के अंदर ब्रेड का छोटा पैकेट और नमकीन दे रहे हैं, खाने के अंदर आलू की सब्ज़ी, मिर्ची और पूड़ी दे रहे हैं और इसको और सुधार और अच्छे करने का प्रयास करेंगे। आज हम लगभग 500 से ऐसा लग रहा है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ दे रहे हैं और ये चेक करके दे रहे हैं कि इस आदमी के पास भोजन पड़ा तो नहीं है स्टॉक में कहीं, ऐसा करके दे रहे हैं। और ये एक दोस्त दुनिया ग्रुप का एक कदम हमने उठाया है। मेयर साहब ने कोई आदेश भी दिए सभी पार्षदों को कि एक इसके अलावा एक व्यवस्था और चल रही है, एक जनता रसोई चल रही है हमारे पार्षदों की तरफ से, माननीय चंद्रेश जी साखला पार्षद साहब हैं उनके वार्ड में चल रही है और वो इसको सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके अंदर भी अगर पार्षद के पास कोई कॉल आता है या पार्षद को महसूस होती है तो वहाँ से पार्षद 10 रुपये देके प्राप्त करके और अपने वार्ड में बंटवा सकता है। इसके अतिरिक्त मेरे वार्ड के अंदर मैंने व्यक्तिगत भामाशों के माध्यम से भोजन की व्यवस्था रख रखी है, वहाँ से हमारे परिवार के जो 10-15 वार्ड के परिवार लोकेट हैं उन परिवार में उन भामाशाओं के माध्यम से आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बन के जा रही है। कुछ ऐसे परिवार थे जिनको हम ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले भोजन सामग्री हम पहुँचा चुके हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि महामारी से निमटना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन इसके अंदर कोई भूखा नहीं रहे, कोई परेशान नहीं हो। हमारे सैनिटाइज़र हमने बांटे हैं, मास्क हमने बांटे हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का हमने छिड़काव सघन किया है। और ऐसे कार्यक्रम और आपदा के समय में जितनी राष्ट्र के हित में हम काम कर सकते हैं, हमारे मित्रों का और हमारे साथियों का ये प्रयास रहेगा कि ये कार्यक्रम करें। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकेंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए
हमारी मदद कीजिए।